हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आ रहा है चैनल। और भाई, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और एक मेरा दूसरा चैनल भी, अगर उसको भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो। और आज फिर से खेलेंगे इंडियन मोड चैलेंज। तो मेरे आपने मैंने भाई पहले आपको बताया था कि मेरे पास बड़ा घर था तो यहाँ पर सेल कर दिया। तो ये भाई अभी झोंपड़ा, भाई झोंपड़ा ही बोल दो, झोंपड़ा सा। तो ये छोटा सा भाई कंटेनर में सब जगाड़ वगाड़ करके सेट कर लिया भाई। एसी भी लगवाया है। तो अरे यहाँ पर बैठ बूट जाते हैं भाई। घर घर यार मतलब कि स्टोरेज वगैरह बहुत ज़्यादा भाई। यहाँ देख सकते हैं यार क्या कुछ नहीं है देखो, पर घर का भाई प्रॉब्लम है। तो घर करेंगे सेट। और न्यू होलैंड का तो भाई कोई काम नहीं, एक कंपाइन चलेगी। तो एक कंपाइन तो मैंने सेल कर दी प्रीत, तो उसका कटर क्योंकि हमसे भाई एक ही। अरे यार ये तो अच्छा, तो प्रीत का ये है भाई कट्टर। तो प्रीत कंपाइन मैंने कर दी सेल। अब मेरे पास आया है हिंद तो और न्यू हॉलैंड को, तो भाई मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो अभी तक इसका काम नहीं, तो भाई एक कंपाइन के पीछे दो ट्रैक्टर क्या करेंगे। तो आपको एक ज़बरदस्त मोड का रिव्यू बताता हूँ भाई। तो आपकी डिमांड आ रही थी तो भाई फाइनली मैंने कल भाई इस एक दिन की मेहनत के बाद कंपाइंड बना दी। तो देखो भाई सामने खड़ी है अपने खेत में। तो ये भाई मैं अभी लेके आया हूँ, जस्ट भाई आधा घंटा हुआ है तो घर चला गया था। तो ये है भाई विशाल कंपाइंड। तो भाई दो दिन लग गए यार, कहाँ से लेके आया हूँ भाई आप सोच नहीं सकते भाई। तो मैं चला के लेके आया हूँ दोस्तों। तो इसको भाई लग गए 7 घंटे लग गए भाई। यहाँ से मेरे शहर में नहीं थी तो मैंने बाहर से लेके आया हूँ भाई, एजेंसी किया था कल। तो वहाँ से प्रीत को बेच दिया तो उसके बदले में विशाल कंबाइन 435 मैंने बाई कर ली। तो बताना भाई लुक वाइज कैसी है, मैं एक मिनट आपको सब कुछ दिखा देता हूँ भाई। चमक बहुत ज़्यादा कंबाइन की, एक मिनट यार। तो आगे लिखा है विशाल 435 आरएक्स। तो आरएक्स मैंने अपना भाई आगे चैनल का नाम लिखा दिया। और विशाल ऊपर भी लिखा है, देखो भाई हुड के ऊपर डबल लाइटनिंग देख लो भाई, दो ऊपर लगी है छत पे, दो यहाँ पर लगी है भाई आगे स्टेयरिंग के पास, और एक बीच में लगी है सेंटर में, और दो हेडलाइट मेन इंडिकेटर भाई इसके साइड में। और इस तरफ देख लेते हैं भाई, टायर देखो कितने ज़बरदस्त और बड़े बड़े। और इसका एक खासियत और है भाई, इसका इंजन भी बड़ा है ना, तो इंजन इसका 150 हॉर्स पावर का। और भाई इसका जो कटर है भाई 16 फुट का भाई, जो मेरी प्रीत कंपाइन थी उसका तो भाई 14 फुट का। तो इसका कटर भाई बड़ा है और कैपेसिटी ज़्यादा है भाई इसकी दूसरी कंपाइनों से। चलो देख लेते हैं। तो इसका लगा है भाई रेडिएटर, गोल में आता था पर ये भाई दूसरा नहीं है, घूमने वाला नहीं है, ये पुराने मॉडल में आता है ना भाई कपड़ा मार के झाड़ो वो वाला है। तो सीढ़ी में लगी है भाई ऊपर जाने के लिए, तेल की टंकी देख लो। और यहाँ पर लिखा विशाल 435 एम, पता नहीं भाई ये क्या लिखा है, अभी पढ़ा नहीं जाता यार ये चीज़। मैं हर वक्त सोचता हूँ एम भी लग रहा है भाई, आई बी पी भी लग रहा है, तो कोई भी नब्बा, तो भाई 90 में बनी है, 90 से ही लेके आया हूँ मैं, यहाँ पे भी वही लिखा है। और भाई कलर वगैरह देखो यार एकदम चमक कितनी है यार कलर की, और देखो भाई शाइनिंग दिख रही है आपको सूरज की रोशनी। तो शीशे लगे हैं डबल भाई बड़े बड़े। तो इसका भाई रिव्यू भी करेंगे और इसकी टेस्टिंग, मैंने भाई खुद कसम से अभी तक टेस्टिंग नहीं की, अभी मतलब लेके आया हूँ मैं भाई, अभी खड़ी की है तो घर चला गया था। टायर देख लो भाई इसको, बैटरी बॉक्स ये लगा, टूल बॉक्स है, और भाई टूल बॉक्स में इन्होंने भाई कैन वगैरह भी दिए, कैन वगैरह वो देखो ऑयल की। और पीछे भाई जैसे होती है एक लाइट लगी है, और विशाल 435 लिखा है नाभा, और ये भाई कपड़ा लगा काले रंग का। और ट्रंक भाई इस पर भी दिया है ऊपर, मैंने कहा भाई ट्रंक लगा दो, टूल वगैरह डालने पड़ते हैं। तो ये देख लो भाई विशाल, अभी मत बोलना भाई विशाल नहीं बनाई, आपकी काफ़ी डिमांड थी विशाल कंपाइन की, तो आपके सामने है भाई दो दिन, एक दो दिन की मेहनत से बना दिए। सामने लिखा है भाई फार्मर्स फर्स्ट चॉइस, तो मतलब कि ये किसानों की सबसे पसंदीदा कंपाइन है। और बनी है भाई मेड फॉर पंकज गेमिंग आरएक्स, मेड भाई पंकज गेमिंग आरएक्स चैनल, तो मैंने वहाँ पर लगा दिया। और लिखा भाई नो स्मोकिंग, सिगरेट बोल रहा हूँ भाई, सिगरेट पीना मना है, क्योंकि भाई जब फसल काटते हैं भाई कुछ सिगरेट पी के फेंक दे भाई फसल में आग लग सकती है, और अपनी कंपाइन तो जाएगी जाएगी भाई, दूसरों की फसल भी जाएगी। तो नो स्मोकिंग लिखना ज़रूरी था, तो मैंने भाई ये अलग से स्टिकर लगवाया है। बाकी आप देख सकते हैं इसके ओरिजिनल स्टिकर रेड कलर में ये है, ब्लैक एंड येलो कलर। तो देख लो भाई इसका ओवरव्यू, लाइट लगी है भाई यहाँ पर भी, ताकि दाने वगैरह भाई ट्रॉली में अच्छे से दिख जाएँ। और इसके नीचे भी भाई एक लाइट लगी है, वो हमेशा लगी रहती है हर कंपाइन की। यार इसके है कि नहीं है भाई,
अरे यार हाँ भाई, वो लगी है सामने, देख सकते हैं आप। और आग लग जाए भाई, उसके लिए एक आग बुझाने वाला भाई, फायर क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, दिया है। तो अभी चलते हैं भाई इस कंबाइन के ऊपर, इंजन दिखाता हूँ भाई इसका, और सलेंसर देखो भाई कैसा लगा ऊपर तो इसका सलेंसर भाई उल्टा था, मैंने जेंसी से भाई इसको ऐसा करवाया भाई, ट्रैक्टर जैसा फीलिंग आई थोड़ी सी। और ये देखो भाई, इसको हमने काले रंग का करवा दिया, क्योंकि काला रंग भाई काफ़ी जच रहा था। लो भाई आगे ऊपर, और इंजन देखो भाई इसका, इंजन यार मैंने अभी तक नहीं देखा कितने सिलेंडर है भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितने सिलेंडर लगे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर है क्या? नहीं यार, 1 2, यार दिख नहीं रहा भाई अच्छे से सिलेंडर इसके। 1 2 3 4 5 6, 6 सिलेंडर इंजन है, पर भाई इसका हॉर्स पावर 150 है भाई, ठीक है ना, 150 HP। और सिलेंडर देखो भाई ऊपर ही लगवा दिया हमने, बाकी कंबाइनों का यहाँ पे आता है, हमने भाई ऊपर लगवा दिया थोड़ा सा भाई फैशन वगैरह मॉडिफाइड भी करा लिया भाई कंबाइन को थोड़ा सा हमने। तो इंजन भाई काफ़ी ताकतवर है, और कैपेसिटी भी कंबाइन की अच्छी है। हुड देखो भाई इसके, ये आगे हुड पे हम, इसके हुड भी भाई पूरी चमक मारी है। तो ये थी भाई कंबाइन, ये बाकी कंबाइनों से थोड़ी सी बड़ी है भाई, इसकी हॉर्स पावर भी ज़्यादा है और कैपेसिटी भी ज़्यादा है भाई, काटने की स्पीड भी ज़्यादा है और सब कुछ मामलों में भाई ज़्यादा है, कटर की लेंथ भी ज़्यादा है। तो चलो भाई चलते हैं इसके ऊपर। साउंड कम किया मैंने, एक मिनट, अगर साउंड तो साउंड तो भाई एक ही कंपाइन का सभी होता, तो लाइटिंग देख लें भाई एक मिनट। हाँ लाइटिंग सही है। अरे यार भाई गड़बड़ हो गई है इसकी लाइटिंग की, कनेक्शन उल्टे कर दिए भाई उन्होंने यार, देखो सही करवाना पड़ेगा भाई। मैंने लाइटिंग जलाई, इंडिकेटर नहीं जलाए, इस तरफ सही चल रही है, ये साइड भाई लाइट ख़राब है। तो इसके कनेक्शन भाई तार वगैरह देखने पड़ेंगे यार, जुड़ ना गई हो तो। ठीक है भाई, सब लाइट जल रही है एकदम प्रॉपर, ठीक है भाई ओके। तो इंडिकेटर भी चलते हैं भाई, हाँ इंडिकेटर भी चलते हैं, सब कुछ ओके। हॉर्न हॉर्न नॉर्मल भाई, कंपनी वाले जो भी देते हैं एजेंसी वाले, वो साथ का हॉर्न। तो अभी हम भाई अपनी फसलें, जो भी इंडियन मोड चैलेंज में जो भी फसल है भाई, आज इसके साथ काटेंगे। पर हम भाई ज़्यादा बड़ा खेत नहीं काटेंगे आज, क्योंकि वीडियो भाई मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता। अरे यार यहाँ पे तो कोई फसल ही नहीं बची भाई, कोई छोटा सा खेत मिल जाए ना। बैलरी है, ओ सॉरी भाई बैलरी, मैं बीट देख रहा हूँ, ओ बीट नहीं देखना भाई। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक मिनट, रेडी टू हार्वेस्टर कौन सी है? तो भाई सभी रेडी टू हार्वेस्टर इस तरफ है भाई, 52 नंबर जो खेत है मेरे घर के इस पास ही है भाई। ये ऐसा करते हैं यार, यहाँ पे भी है भाई खेत, यहाँ करते हैं यार। चलो यार चलते हैं उस तरफ, मज़ा आएगा भाई कंपाइन रोड पे चलाने का भी। तो इस तरफ सब फसल कट गई है, तो भाई इस रोड से नहीं चलेंगे भाई। इसका स्टीयरिंग भी देखो थोड़ा सा टेढ़ा है ऊपर की तरफ। और एक मिनट, मैं आपको बताया ना भाई कारपेंट, मैंने ये देखो भाई इसका मैट बिछाया हमने, मैट अलग से भाई डलवाया, ताकि मिट्टी भाई पैर वगैरह यहाँ से हम साफ़ कर लें भाई। कैबिन की स्पेस काफ़ी अच्छी है कंपाइन की, और फ्रंट व्यू भी भाई ऐसा मस्त लग रहा है यार, थोड़ी ऊंची भी नहीं है भाई, इतनी ऊंची भी नहीं है, ठीक ठाक है भाई। देखो क्या ज़बरदस्त है यार। तो तकरीबन 3 कंपाइनें हो चुकी हैं हमारे पास, हिंद, प्रीत और ये भाई विशाल। और अभी ये भाई आपकी डिमांड पे बनाई थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आई उसी वजह से, नहीं तो भाई मेरा कंपाइन का बनाने का कोई इरादा नहीं था। आप लोगों ने भाई बहुत डिमांड की, तो आपकी डिमांड के आगे मैं हार गया, तो भाई मैंने पूरी विशाल रात को ही बना दी थी भाई, और टेक्चरिंग आज की है भाई काम से आने के बाद। अभी मैं सोच रहा हूँ भाई कौन सी कंपाइन बनाई जाए, तो कमेंट में बताना अभी भाई। और भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, 1 2 दिन रुक जाओ मोड़, मैं आपको कंपाइन के दे दूँगा। मैंने अभी तक भाई अपलोड नहीं की है अपनी यार साइट पे, तो अपलोड करने पड़ेंगे मोड़, फिर जाके भाई लिंक मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा वीडियो बनाई। ओ तेरे की एक काम तो रह गया अपना भाई, कटर को इसका भाई एक ही प्रॉब्लम है, क्या है भाई वो आपको नहीं पता चलेगा। इसको अटैच करने के बाद भाई इसका कंट्रोल ऐसे दबाना पड़ेगा, ये कंट्रोल ऐसे दबाया, कटर हो गया हमारा ढीला, मतलब कि आप उठा सकते हो। नहीं तो पहले भाई ये कटर है जो ट्रेलर के साथ चिपका था, उसको उठाओगे भाई कटर को, तो ट्रेलर भी साथ में उठ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है भाई ये। और कटर का साइज देखो भाई काफ़ी बड़ा है यार, अपना काम भी जल्दी जल्दी होगा, मशीन अच्छी है यार ये। कटर देखो भाई कितना लंबा है,
एक मिनट आपको हिंद भी दिखाता हूँ भाई, अपनी हिंद भी यहाँ पर खड़ी होगी, हिंद भी दिखाता हूँ, हिंद के सामने कैसी कंपाइन है भाई। हाइट में तो सेम है भाई, पावर के मामले में और काम के मामले में हाइट एक चीज़ है भाई, हाइट के मामले में सेम है, पावर के मामले में कम है और ज़्यादा है। तो हिंद की कैपेसिटी थोड़ी कम है, इंजन इसका देख सकते हो 101 HP का है, इसका हॉर्स पावर कम है उस कंपाइन से। अभी यहाँ से निकलेगी कि नहीं ये भी पता नहीं है, गेट का भाई पता करना पड़ेगा। और यार इसकी हाइट को कुछ ज़्यादा ऊंची लगती है मुझे, देखो भाई ऊपर से कुछ ज़्यादा ही ऊंची लगती है कंपाइन। सीट आगे की उसी वजह से हो रहा है, निकल गई भाई आराम से, ये तो निकल जाएगी अपनी विशाल कंपाइन ही निकलेगी यहाँ से। तो देख लो भाई ये ऐसी लिखती है हमारी हिंद 99, इसको भाई देसी कंपाइन भी बोल देते हैं जो लोग, नाम दे दिए भाई हिंद, विशाल, करतार, प्रीत और भी कोई भाई वो होती कंपनी की कंपाइन जो भी, और किसी में ना भाई लिख लेते हैं। अभी इसका भाई देखना, कटर देखना और उसका देखना, कटर का भाई देखो दोनों का लिमिट उठाई है उसकी, देख रहे हो ना दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई, थोड़ा सा फ़र्क है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई, ये देखो थोड़ा सा फ़र्क है भाई दोनों में, इतना फ़र्क नहीं है आपको, मतलब लगेगा नहीं, एक दो फुट का तो भाई वैसे पता नहीं लगेगा। चलो भाई इससे करते हैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग हम, हिंद तो यार खड़ी करते हैं यार, हिंद का जो कटर का भाई ट्रेलर है वो ये मैं लेके आ गया हूँ भाई इसके साथ तो इसका ट्रेलर भाई लाना पड़ेगा, वो अभी तक मतलब कि घर में पड़ा है, वो अभी तक लेके नहीं आया था मैं ये। अभी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कितनी है भाई विशाल कंपनी की, लो भाई चल पड़ा सब कुछ नहीं, लेकिन चलने से पहले भाई इसका सिस्टम देख लें, बेल्टें सल्टें काम करी है नई कंपनी भाई, टायर भी गंदे हो गए इनके, साउंड कम कर लें यार, ये भी पंगा भाई, साउंड तो सही है। तो हाँ भाई इसको सब कुछ फैन वगैरह बेल्टें वगैरह एकदम मस्त काम कर रही है, और अपना भाई ये भी अच्छे काम कर रहा है, और पीछे देखो भाई डिज़ाइन जो ओरिजिनल होता है मैंने सेव वैसे लेने की कोशिश की है। चलो काटते हैं अभी, तो एक मिनट भाई आपको मैं दिखा दूँ ओरिजिनल, मैंने मेरे पास भाई ओरिजिनल जो फोटो नहीं थी, मतलब कि मैंने देखी नहीं कभी विशाल कंपाइन आमने सामने, प्रीत वगैरह तो देखी थी, तो जैसे मुझे लगी वैसे मैंने बना दी। अब डंडे देख लो दोस्तों, डंडे एक मिनट ऊपर बैठ के बता, तो कंपाइन की हुड के भाई डंडे थोड़े से मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे होते थे कंपाइन के, तो मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किए देखो, और ऐसा भाई जो भी है मतलब कि ओरिजिनल जैसा डिज़ाइन किया, और आगे देखो डंडे थोड़े से बाहर की तरफ होके फिर अंदर गए हैं जहाँ पर हेडलाइट लगी है बड़ी बड़ी। ओके चलो भाई ये चल पड़ी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा भाई काटने की, देखो काफ़ी एरिया भाई घेर रही है कंबाइन, हाइट के मामले में छोटी है, हाइट के मामले सॉरी बराबर है भाई उसके, पर कटर बड़ा है इसका, ऐसा लग रहा भाई छोटी सी है, देखो फीलिंग ऐसा ऐसा आ रहा है भाई मुझे छोटी कंपाइन चलाने पर, भाई छोटी नहीं है ये देखो भाई धुआं कैसे छोड़ रही है, वो सिलेंसर देखो कहाँ लगा, अभी ये सिलेंसर का एक ही प्रॉब्लम है भाई, कंपाइन तो निकल जाएगी पर जहाँ से तार वगैरह होगी भाई सिलेंसर अटक जाएगा, अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा। पर यहाँ पर हमारे एरिया में है नहीं कोई ऐसी जगह जहाँ ये प्रॉब्लम आए भाई, यहाँ पर तारें काफ़ी ऊँची ऊँची आप देख सकते हो, ये तो मुझे यार काफ़ी डिमांड आ रही थी, इंस्टाग्राम पे भी आ रही थी भाई, यूट्यूब पे भी विशाल कंपाइन बनाओ 435। तो धीरे धीरे हम सभी की कंपनियों की बना लेंगे भाई कंपाइन, जैसे ट्रैक्टर बनाए थे सभी कंपनियों की, अभी कंपाइन की बारी है। चूड़ी वाली रिपर तो भाई एक ही साइज़ के होते हैं, उनका क्या बनाना, उनका तो सिर्फ नाम चेंज करने के बाद कंपनी के जो डिज़ाइन होता है भाई वही होता है। अभी कंपनी का ये देखो विशाल का डिज़ाइन अलग है भाई, आगे केवन का अलग है, देखो एक मिनट दिखाऊँ तो ये देखो भाई केवन का डिज़ाइन है जो अलग था, डंडे वगैरह इसके थोड़े से ऊपर नीचे हैं, और ये देखो भाई हेडलाइट थोड़ा सा डंडे आगे निकले हैं, और स्टेयरिंग जहाँ पे लगा भाई वो थोड़ी सी बाहर निकली थी, तो मतलब उस हिसाब से बनाना पड़ता है ठीक है। तो हुड भी ऐसी थी भाई इसकी, हुड भी ऐसी थी मैंने देखी थी फ़ोटो में, जैसा भाई दिखता वो ओरिजिनल में वैसा होता नहीं है,
और पीछे से भी भाई देख लो, ये ऐसी थी। ये देखो भाई यहाँ विशाल लिखा, वो भी अंदर को झुका था। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है भाई, कहाँ पर क्या है, तो उस हिसाब से अगर सामने कंबाइन हो भाई, आदमी एक एक चीज़ को देख सकता है और बना सकता है बड़े आराम से। फ़ोटो में यार, फ़ोटो में भाई सभी तरफ की फ़ोटो नहीं मिलती ना यार, एक तरफ की मिलती है। विशाल कंबाइन की तो है नहीं यार, मैंने फेसबुक से भी देखी थी। और मीटर लगे हैं भाई उतने ही लगे हैं जितने हिंद को लगे हैं। और शीशे बताए ना भाई, ये शीशे पीछे देखने के लिए थोड़े से घूम गए हैं भाई। इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है देखो, पर स्पीकर नहीं लगे यार, कंपनी वाले ने दिए नहीं। ब्लैक कलर और भाई ग्रीन कलर में काफ़ी यार कंबाइन खूबसूरत लगती है। और रिम कलर भाई इसके लाल है देखो, रिम कलर लाल लाल भाई कलर के हैं, सॉरी। तो कंबाइन में टोटल कलर भाई 1 2 3 4 कलर की कंबाइन है भाई, रेड ग्रीन वाइट और ब्लैक। कहीं कहीं और भी कलर हो सकते हैं, पर हमने देखा नहीं भाई। स्टील के भी है पर वो कंबाइन का हिस्सा नहीं है, वो तो भाई ट्रंक है। अभी इसकी स्पीड को हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे काटेंगे भाई 15 की स्पीड में। अभी चल रही है स्मूथ। कटर बार सही है यार, इतना लंबा सही रहता है। एक मिनट यार, गेम के बाहर जाना पड़ता है भाई। चलो लो भाई, भाई विशाल कंबाइन भी आ गया। और कोई कमी वगैरह हो तो मुझे कमेंट में बता देना यार, इंस्टाग्राम पे भी बता देना। जो लोग विशाल कंबाइन के फैन है भाई, अभी तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जो भी विशाल कंबाइन को पसंद करता है भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और भी बनाएंगे भाई, हर किसी की मनपसंद कंबाइन बनाएंगे यार। ये इनमें से भाई मेरी कोई मनपसंद नहीं थी, ये हिंद भी भाई आपकी डिमांड पे बनी है। प्रीत मैंने बनाई थी, प्रीत का नहीं था भाई, वो मेरी पसंद की थी। उसके बाद जो बनाई है ये विशाल आपकी पसंद की है। अभी पता नहीं आप कौन सी कंपाइन के ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो मैं पोस्ट डालूँगा उससे आपसे पूछ लूँगा अगली कंपाइन कौन सी बनाएं। और इसमें बताना यार, कोई कमी रहेगी हो तो यार बताना, कोई कमी रहेगी हो मुझसे भाई, ये सही नहीं बनी है। तो टेक्चर वगैरह मिले नहीं दोस्तों मुझे यार, मैंने सर्च किया तो नहीं मिले थे भाई। अगर ओरिजिनल टेक्चर मिल जाते तो मज़ा आता। वैसे ये भी सही लग रहे हैं यार, इतने बुरे में लग रहे हैं। तो ये मैंने सब डिज़ाइन खुद किया है, MMPL जो लगा है भाई वो खुद का हमने बनाया। एक मिनट यार, स्क्रीन शॉट को लिया नहीं भाई आज ये। पावरफुल कंपाइन है भाई एकदम, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा भाई इंजन पे, इतना बड़ा कटर होने के बावजूद। तो ये तो नंबर बाद में था, तब हमने पहले काट दिया भाई। इसके दो खेत है उधर भी है, तो हमने तो एक टेस्ट करने के लिए आपके सामने भाई काट दिया, वो तो बाद में काट लेंगे। तो इसी के साथ भाई अगली वीडियो इसके साथ ही बनाएंगे। वो सामने भाई उसका खेत है, मैं बोल रहा हूँ भाई काट लेते हैं ऐसे करते हैं, क्योंकि इसका कटर ज़्यादा बड़ा है और जल्दी काम हो रहा है। देखो भाई एक खेत को निपटा भी दिया, सीट इसकी भी आगे पीछे हो जाती है, पर पीछे जो बैठने का मज़ा भाई आगे जाके नहीं मज़ा। लो ये आ गया अपने दूसरे खेत में, तो ये भी दूसरा उसका खेत है, तो हम कटर बार को चलने देते हैं यार। और देखते हैं कितनी है भाई उसकी लंबाई। अच्छा, तकरीबन भाई अपना 1-2 दिन का काम हो रहा है ख़त्म, फिर सब कुछ अपना सीजन ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको उतर के भी बताता हूँ भाई कंपाइन। अरे बांध देते हैं इसकी 8 की स्पीड में ये। एकदम भाई कंपनी वालों ने हीरा दिया है, हीरा एकदम प्रॉपर काम कर रही हो भाई। बाहर चली गई, बाहर चली गई, बाहर चली गई, बाहर
यार पावर स्टीयरिंग का यही प्रॉब्लम है भाई, पता नहीं लगता किस डायरेक्शन में जा रहा है। कंफर्टेबल है भाई, पूरी कंपनी कंफर्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, झटके लग रहे हों या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से चल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है सोफे में बैठे कोई जंप वगैरह फील ही नहीं हो रहा है। अरे यार यहाँ कचरा फिर फैला दिया भाई सड़क में, तो इसकी सर्विस महीने बाद भाई, एक महीने बाद जो सर्विस होगी इसकी कंपनी वाले करके चले जाएंगे, इसकी सर्विस ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हिंद तो पुरानी है भाई, उसकी तो खुद करवानी पड़ती है, तो आपको पता ही होगा भाई कंपनी है जो 5-6 जितनी भी सर्विस होती है भाई फ्री देती है, अपना अपना हिसाब होता है, तो अभी तक तो फ्री है, अभी तक तो लेके आया हूँ भाई, अभी टेस्ट ही कर रहा हूँ उनके सामने, तो अभी महीना पता नहीं कब होगा, अभी तो सीज़न ख़त्म है यार, सीज़न के बाद ही करवा लेंगे, महीना एक का दिन टाइम नहीं है भाई, दूसरे तीसरे दिन जो अपना काम ख़त्म होने वाला है। स्पीड इसकी भी सही है काटने की, एक मिनट आपको मैं थोड़ा सा ओवर व्यू दिखा देता हूँ भाई चलती का भी, पावर स्टीयरिंग भाई इसका ये देख लो विशाल, सच में भाई विशाल कंपनी विशाल ही है बाकी कंपनियों से, टंकी देख लो भाई कितने टाइम बाद भरने लगी है। इसका रेडिएटर का फैन क्या कर रहा है, तेल के कैन भी पड़े हैं भाई देखो पीछे ऑयल वगैरह रखने के लिए। एक मिनट, इसका भाई एसएमएस काम कर रहा है ना, तो इसका एसएमएस अंदर ही होता है भाई, वो बाहर वाली बात में, हाँ भाई एसएमएस काम कर रहा है, तो ये आपको ब्लैक का कवर का कपड़ा दिख रहा है, इसके अंदर ही भाई एसएमएस लगा होता है। तो बताना यार कैसी लगी विशाल कंपाइन आपको, और फिर आगे देखते हैं भाई कौन सी बनाई कंपाइन। कंपाइन का भाई जो भी हिस्सा होता है, जो बीच वाला हिस्सा जो सहारे कंपाइन का ऐसा ही होगा भाई, चेंजेस होता है भाई, एक तो उसकी छतरी और भाई डंडे लगे हैं सामने वाले, और पीछे से उसका जहाँ से भाई वो स्ट्रा वगैरह फिंग की, ये चीज़ें भाई चेंज करने वाली होती हैं। कंपाइन तो पूरी बनी है, बस इसको जाके ब्लेंडर को ये पीछे वाला हिस्सा दिख रहे हैं भाई विशाल 435 लिखा, ये देखना पड़ता है भाई जो जो कंपाइन बना रहे हो उसका हिस्सा कैसा है पिछला, और हुड वगैरह कैसी है और कैबन कैसा, बाकी तो भाई सेम होता है, इंजन यहाँ पे होता है, तेल की टंकी यहाँ ओवर हो सकती है, और ये कवर लगे होते हैं, कई को कवर नहीं लगे होते हैं भाई, ये कवर होते हैं ना जो ये ब्लैक कलर के, ये कवर नहीं होते हैं भाई ये वाले, सीधी भाई उसकी आप देख सकते हो कैसे काम कर रहे हैं भाई उसका सिस्टम, इस तरफ काम नहीं होता, वो खोल देते हैं लोग बाद में यार पता नहीं क्यों खोलते हैं। ये कवर लगा जहाँ पर पाइप लगी, MPL क्या लगा है भाई, फार्मर फर्स्ट चॉइस, ये तो टंकी है ना इसके नीचे वाला कवर, तो हमने भाई एक जगह भी दी है पीछे जाने के लिए, देखो पाइप के ऊपर लगी है जो भाई पीछे जाते हैं, ताकि भाई आपको पीछे पीछे वाली पौड़ी में जाना ना पड़े, आप सामने से ही भाई पीछे जा सकते हो। करतार कंपाइन है जो दोस्तों आगे से चेंज है पीछे से, बाकी तो उसकी लुक वाइज एकदम प्रीत कंपाइन जैसी है, जो लुक वाइज है उसकी भाई पूरी प्रीत कंपाइन जैसी है, बस कैबन चेंज है उसका, अगर मैंने देखा था उसका करतार, और रंग भाई उसका वो है ग्रीन, यही अटक गई भाई उल्टी साइड है, इसको फोल्ड कर लेते हैं। पेड़ बहुत ज़्यादा है लो भाई, फसल देखो कितनी जल्दी मतलब ख़त्म कर दी भाई, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी बंद कर लें भाई इसको,
अभी लाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली और डालते हैं माल, फिर छोड़ के आते हैं मंडी। ये अपना 855। इसकी साउंड काफ़ी कम लगती है। भाई उड़ता जा रहा है। ओ ओ भाई, ओ ओ बचो बचो, आगे भाई गेट है, चार दीवारी की है किसी ने। तो ये हमारा विशाल कंबाइन का कटर, वो खड़ी है अपनी विशाल कंबाइन। मज़ा आ गया दोस्तों उसको चलाने का कंबाइन का, मतलब कि और कंबाइनों का मज़ा नहीं आया भाई इतना। ये अगर इसकी साउंड मिल जाती ना ओरिजिनल तो मैं आता तो भाई मज़ा ही आ जाता। अब इसका क्या प्रॉब्लम है यार, ये तो भाई इसका डलता ही नहीं है हर बार, पता नहीं क्यों। ये डल रहा था पीछे, ये यहाँ पे, एक मिनट देखना पड़ेगा भाई, बाहर की तरफ ही गिरता है हर बार। ये हो क्या रहा है, आगे से तो सही डलता था यार। ये आजकल पता नहीं ट्रॉली को हो क्या रहा है यार। अभी तक तो आप अपनी ट्रॉली भरी भी नहीं भाई, अभी सही है। तो अभी गिर रहा है भाई माल बिजान, अरे रुक गया फिर से। ये भाई झटके लगा लगा के डालना पड़ेगा। इसका एक प्रॉपर जगह है भाई वहाँ पर माल डलता है, उससे आगे पीछे होंगे तो भाई माल नहीं डलेगा। अब ये देखना पड़ेगा इसकी जगह है कहाँ, सेटिंग करनी पड़ेगी भाई इसकी। झट बैक कर रहा हूँ थोड़ा सा भाई, झटका दे रहा हूँ, माल डलना स्टार्ट हो जा रहा है। टंकी में और है क्या, तो नहीं भाई टंकी खाली हो चुकी है, 15% भरी भाई। देखो देखो कितना माल आ गया भाई ट्रॉली में, ट्रॉली तो वैसे खाली लग रही है भाई क्योंकि कैपेसिटी काफ़ी है इस ट्रॉली की। इस तरफ भी है, वो ट्राला काफी बड़ा है। ये नहीं गया भाई, लो भाई मंडी आ गई अपनी। इसको थोड़ा सा, ओ भाई इस तरफ घूम रहा है, इसको थोड़ा सा भाई आगे से लेना पड़ता है। ये ट्रॉली लंबी है ना भाई, वो अटक गया वो। यार ट्रैक्टर अपना उतर गया भाई नीचे, इसको ब्रेक नहीं लगती है। ट्रैक्टर देखना भाई कहाँ उतर के, सामने डंडा है तो हम स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, निकल जाएगा। निकल गया निकल गया, अटक गया अटक गया। ओ, ओ, ओ भाई मैंने सोचा घूम जाएगा, नहीं घूमा भाई, कटाई कम है ट्रैक्टर। ये बड़े टायर लगा के भाई इसकी कटाई कम हो जाती है ट्रैक्टर की। और सिलेंसर कैसा लगा भाई कंबाइन का, देख बताना मुझे कमेंट में, लगाना चाहिए ऐसा कि नहीं। वो खड़ी है अपनी हिंद,
अभी चलते हैं अपनी कंबाइन की तरफ और थोड़ा सा भाई आपको और दिखा देता हूँ कंबाइन के बारे में, फिर करते हैं वीडियो का द एंड। कोई कमी वगैरह बताना कंबाइन में। इंजन भाई स्टार्ट ही रखा है ये, तो अभी इसको हम कटर को भाई रख लेते हैं, अभी देखते हैं आगे किसका नंबर है। कटर को ऐसे रखते हैं भाई, साथ में रखते हैं, निकल तो जाएगा यार, क्यों खामखा भाई बार बार तंग करना। अब एक स्क्रीन शॉट और ले लें, तो देख लो भाई कंबाइन को अच्छे से, कोई कमी वगैरह हो तो बताना कमेंट में। डंडे वगैरह भाई देख लो एकदम ओरिजिनल बड़े बड़े लगाए हैं, तो भाई ठीक है यार, फिर मिलते हैं यार जल्दी एक नई वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई अगली कंबाइन कौन सी होनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।